अल्हम्दुलिल्लाह बरकात हो मेरे बच्चों। नीट 2020 फेस टू में क्वेश्चन नंबर 152 पूछा गया था, 152। और इस सवाल में ये पूछा गया था कि सही बयान को मुंतखब करिए, सही बयान का इंतखाब करिए। हमको यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको तय करना था, उसको सेलेक्ट करना था। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की शरह में कमी रेनिन को जारी करने के लिए जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर खलियात को मुतहरिक करती है। रिडक्शन इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल टू रिलीज रेनिन। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है और ये बात सही है कि जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी जी एफ आर डिक्रीज होता है, जी एफ आर के अंदर जैसी कमी आती है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जी एफ आर के कमी की वजह से क्या होगा, वहां पर जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट हो गए और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल जैसे एक्टिवेट हुए तो वह रेनिन जारी करेगा। फिर वो रेनिन जाएगा, रेनिन जाके पूरा एक पाथवे रन होता है, पूरा एक सिग्नलिंग का रास्ता चलता है जिसमें आपने पढ़ा होगा रेनिन रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन का ब्रेकडाउन करेगा, फिर उसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 बनेगा, फिर उसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। वो एंजियोटेंसिन 2 जाकर एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल करेगा, एड्रिनल ग्लैंड को मुतहरिक करेगा, वो वहां से फिर वहां पर वो रिलीज करेगा, किसको रिलीज करेगा, एल्डोस्टेरॉन। ये पूरा पाथवे आपने पढ़ा है तो ये बात सही है। दूसरा एंटी यहाँ पर है ANF, एट्रियल नेट्रोयूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्रोयूरेटिक फैक्टर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है? नहीं, हमने पढ़ा हुआ है कि एट्रियल नेट्रोयूरेटिक फैक्टर उस वक्त उसका इखराज होता है, वो उस वक्त जारी किया जाता है जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, यानी इसका काम ब्लड प्रेशर को क्या करना होता है, कम करना होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। फिर एंजियोटेंसिन 2 ये एक ताकतवर वेसो डायलेटर है? नहीं, ये एक ताकतवर वेसो कंस्ट्रिक्टर है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर में इजाफा होता है और ब्लड प्रेशर में जैसे इजाफा हो गया तो उसकी वजह से जी एफ आर रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब तीसरा है खून के बहाव का काउंटर करंट पैटर्न वासा रिक्टा में नहीं देखा जा सकता। ये बात भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वहां तो ब्लड का ही फ्लो होता है ना। काउंटर करंट पैटर्न में ब्लड का फ्लो ऑब्जर्व किया जाता है वासा रिक्टा में। अब ब्लड के अलावा कहाँ पर और फ्लो होता है? तो वो होता है लूप ऑफ हेनले में, और लूप ऑफ हेनले में जो फ्लो होता है वो फिल्ट्रेट का होता है, ब्लड का नहीं होता। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की शरह में कमी यानी जी एफ आर रेट अगर कम हो जाती है तो रेनिन को जारी किया जाता है, रेनिन को सिक्रीट किया जाता है, और रेनिन को सिक्रीट करने का काम जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर खलियात करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर यहाँ पर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पे जब आप मैसेज करें और व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, टॉपिक बताइए, इंशाल्लाह मैं उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आपके पास जो है या वो जो डाउट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से वीडियो बना के इंशाल्लाह आपको शेयर करूंगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।